इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टाइमर कंट्रोल के बारे में और फिर क्रिएट करेंगे क्लॉक एप्लीकेशन को। सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूं न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल मेन्यू, न्यू प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड एक्सी को सेलेक्ट कर दें, क्लिक कर दें, ओके आपके सामने है। मैं चाहता हूं ये स्क्रीन हमेशा सेंटर में नजर आए, तो इसको सेंटर में कर देते हैं। यहाँ से हो गया। अब मैं एक लेबल कंट्रोल ऐड करता हूं, ऐड हो गया। और मैं क्या करूंगा, इसकी कैप्शन को चेंज कर देते हैं और एम्प्टी कर देते हैं, और मैं इसके नाम को कर देता हूं लेबल क्लॉक। हो गया। अब मैं चाहता हूं जो टेक्स्ट इसमें नजर आएगा वो सेंटर में नजर आए, सेंटर में कर दें। करंटली आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मैं कैप्शन में कुछ डाल देता हूं, 00 क्लॉक जैसा। अब आपको नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे और मैं इसकी फॉन्ट को कर देता हूं कोरियर न्यू, बोल्ड कर देते हैं स्टाइल को, और इसकी साइज को मैं कर देता हूं 36 आपके सामने है। अब मैं इसकी जो कलर है उसको व्हाइट कर देता हूं, व्हाइट हो गया। और मैं चाहता हूं इस लेबल की जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाए, तो बैक कलर प्रॉपर्टी के थ्रू मैं इसको ब्लैक कर देता हूं, हो गया। अब मैं चाहता हूं जब ये एप्लीकेशन रन हो तो यहां पे करंट टाइम आ जाए, यानी 9:50 जो करंट टाइम है। करंटली आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, तो किस तरह आएगा, डबल क्लिक कर दें तो फॉर्म लोड इवेंट जनरेट हो जाएगा। और हम चाहते हैं हमारे लेबल कंट्रोल जो कि है लेबल क्लॉक डॉट कैप्शन, और उसमें आ जाए टाइम। तो दोबारा रन कर दें और आप देख रहे हैं टाइम आ गया 9:50 और सेकंड्स भी शो कर रहा है। मैं चाहता हूं ये पीएम आट जाए और ये 24 आवर क्लॉक हो जाए, तो 24 आवर क्लॉक को इसको करने के लिए हम इसके आगे डॉलर का साइन लगा देते हैं। और अब आप देख रहे हैं 9:51 और फिर सेकंड्स। अब मैं चाहता हूं कि ये सेकंड्स बढ़ता जाए, जैसे कि यहां पे आप इस पे क्लिक कर दें, जैसे कि यहां पे बढ़ रहा है तो यहां पे भी हो। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। इसके लिए हम यूज करते हैं टाइमर कंट्रोल को। टाइमर कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेगा, ये मौजूद है, यहाँ पे ऐड कर दें। इसको ऐड करने के बाद अगर आप इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, इसकी एक इवेंट है टाइमर, टाइमर इवेंट है, उसमें हमने क्या करना है, इसी कोड को कॉल करना है। तो जब भी टाइमर इवेंट रन होगा ये अपडेट करता जाएगा। रन कर दें और आप देख रहे हैं करंटली अपडेट नहीं कर रहा, क्यों, हमने इसको इनेबल भी करना है और इसे इंटरवल भी देना है। तो टाइमर कंट्रोल को सेलेक्ट कर लें, इसकी एक प्रॉपर्टी है इनेबल, अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर काम नहीं करेगा, तो इसे ट्रू होना चाहिए। और फिर इंटरवल करंटली जीरो है कि ये जो कोड है कितने इंटरवल के बाद या कितने सेकेंड के बाद रन होना चाहिए, तो हम इसको कहते हैं 1 सेकेंड के बाद रन होना चाहिए। 1 सेकेंड इक्वल है 1000 की, तो जब 1000 वैल्यू आप देंगे तो 1 सेकेंड, 2000 तो 2 सेकेंड, और इस तरह चलता जाएगा। अब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 9:52 और सेकेंड बढ़ रहा है। थोड़ी देर में जब 60 हो जाएगा तो ये 53 होगा, और आप थोड़ी देर में देखेंगे और आप देख रहे हैं हो गया। अब कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो आप देख रहे हैं रफली सेम है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं टाइमर कंट्रोल को, और फिर हमने एक क्लॉक एप्लीकेशन को डेवलप किया।